पर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन की पूर्व बेला में उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग की तरफ से इंडियन बोर्ड नेचर होटल सभागार में हमारी लता दीदी संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्श्व गायिका सुजाता शर्मा ने साथी कलाकारों के साथ लता जी के बेहतरीन नगमे प्रस्तुत किए। भारत रत्न लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन की पूर्व बेला में उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग की तरफ से इंडियन बाई नेचर होटल सभागार में हमारी लता दीदी संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्श्व गायिका सुजाता शर्मा ने साथी कलाकारों के साथ लता जी के बेहतरीन नगमे प्रस्तुत किए। हमारी लता दीदी संगीत संध्या का शुभारंभ एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर, बीरबल खान, रंजीत सामा ने माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान पूरन डाबर ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की भरपाई नहीं की जा सकती। लता जी ने 50 साल से अधिक समय तक संगीत जगत पर राज किया है। इस दौरान पूरन ने रंजीत सामा को बेहतरीन संगीत कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। सामग्री लता जी जिन्होंने भारत के हर भारतीय के दिल पर 85 वर्षों तक राज्य किया है। आज 93वां उनका जन्मदिन 28 सितंबर को है और पूरा सप्ताह कहीं ना कहीं लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लता जी को याद करने के लिए, लता जी को स्मरण करने के लिए कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। आगरा बधाई का पात्र है, विशेष तौर पर ये उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी जो रंजीत सामा जी के नेतृत्व में चल रही है कि ये एक पहली लीड ली है। उनके जन्मदिन से 3 दिन पूर्व ही ये कार्यक्रम आज शुरू किया गया है आगरा में। भाई सच तो ये है कि उनको मिलेनियम वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी करोड़ों की आवाज़। और अगर हर दिल से बात पूछी जाए तो हर दिल ये कहेगा कि वो मेरी आवाज़ है। अगर उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दिल की आवाज़ को सबके सम्मुख लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही इम्पोर्टेंस है आज के दिन की। हालांकि उनका जन्मदिन 28 तारीख को है, उसकी पूर्व बेला में हम याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नाट्य अकेडमी के सदस्य रंजीत सामा ने बताया कि लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस की पूर्व बेला में यह भव्य आयोजन किया गया। इसमें सुजाता शर्मा, चंचल उपाध्याय के साथ साथी कलाकार लता जी के एकल और ड्यूट नगमों को पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी को मेरा 1 साल पूरा होने को आ रहा था तो मैं शहर को एक कार्यक्रम देना चाह रहा था। इस कार्यक्रम में हमारे देश की बल्कि दुनिया की लता दीदी का उनकी डेथ के बाद ये पहला बर्थडे था। इसको मैं अपने संगीत नाटक एकेडमी के उसमें करने जा रहा हूँ, होटल इंडिया बाई नेचर के अंदर। ये करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। कार्यक्रम की होस्ट पार्श्व गायिका सुजाता शर्मा ने कहा कि 28 सितंबर को लता दीदी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की पूर्व बेड़ा में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो वहीं सुजाता ने इसके लिए रंजीत सामा को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने संगीत करियर की शुरुआत लता जी के गीतों से ही की है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उन्हीं के गानों से की है और 28 तारीख को उनका जन्मदिन होता है। उनके जाने की जो क्षति है वो पूरी कोई नहीं कर सकता। उनके जाने के बाद उनका ये पहला जन्मदिन होगा। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। लता दीदी का 28 सितंबर को जन्मदिन है, 93वां जन्मदिन है। संगीत की अगर आत्मा कहें तो लता दीदी थी, संगीत उनसे था और उनकी आवाज़ और उनके गीत और उनकी जो मुर्कियाँ और जो अदायगी बहुत ही अलग थी।
आज हम उनको इस माध्यम से याद कर रहे हैं। सुजाता शर्मा ने शहर के मशहूर पार्श्व गायक चंचल उपाध्याय के साथ लता जी और किशोरदा के ड्यूट गीत प्रस्तुत किए, जिसे संगीत प्रेमियों ने खासा पसंद किया। होटल इंडियन बाई नेचर में आयोजित संगीत संध्या में शहर भर से प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।